हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अभी हम वन बाय वन सभी तरीकों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो है कैटेलिटिक रिडक्शन। कैटेलिटिक रिडक्शन में हम क्या करवाते हैं कि जो भी हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। और हाइड्रोजन गैस को किसके ऊपर एडजॉर्ब किया हुआ होता है? मेटल कैटलिस्ट के ऊपर। वो मेटल कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? निकल, प्लेटियम, प्लेडियम। निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, या फिर प्लेडियम हो सकता है। तो जब भी हम एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटल कैटलिस्ट, जो मेटल क्या क्या हो सकती है, निकल, प्लेटिनियम और प्लेडियम, तो हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और जो कीटोन होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैटलिटिक रिडक्शन की हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके बाद है रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं हम मेटल हाइड्राइड्स के साथ। अब कौन कौन से मेटल हाइड्राइड हम यूज करते हैं? तो दो टाइप के हम मेटल हाइड्राइड यहाँ पे जनरली यूज करते हैं, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब भी इन हाइड्राइड का यूज किया जाता है तो एल्डिहाइड हमारे प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं और कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे ये एल्डिहाइड है हमारा, इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएं, ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये एल्डिहाइड। तो जैसे ये एसिड एल्डिहाइड है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये कीटोन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन भी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्राइड, ये जो हम बोल रहे हैं हाइड्राइड का मतलब होता है एच नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। तो अब मैकेनिज्म अगर इस रिएक्शन का हम देखें तो ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इसका जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो हम क्या पता चलता है हमें कि ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये कैसे होती है कि ये जो मेटल हाइड्राइड्स हैं इनसे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। ये हाइड्राइड आयन के सोर्स की तरह काम करते हैं और इनसे हाइड्राइड आयन निकल के कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जब आप इसको देख रहे हो तो इस एल्यूमिनियम के साथ कितने हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हाइड्राइड का सोर्स है, यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा। तो यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकल के एक हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल होता है उसके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्राइड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो जब ये हाइड्राइड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह ऑक्सीजन पे। तो अब क्या बनेगा? अब क्या हुआ है, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकल के इस पर अटैक किया है और ये ऑक्सीजन पे अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर जब एल्यूमिनियम 4 हाइड्राइड आयन के साथ जुड़ता है तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल गया है तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये हाइड्राइड आयन ने इस पर अटैक किया है तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर अब यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्राइड तो यहाँ से हट गया है लेकिन ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन अब एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन ये जो यहाँ पे था, ये पूरा जो कंपाउंड है, ये जो पूरा आयन है, ये इस एल्यूमिनियम से जुड़ गया। AlH3 जो ये था इसके, ये हाइड्रोजन की जगह अब क्या जुड़ गया है? ये पूरा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन अब किससे जुड़ गया है? AlH3 से। ये Al, ये 3H थे, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये पूरा ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन के थ्रू इस एल्यूमिनियम से जुड़ गया है यहाँ पे।
लेकिन अभी हम फिर देखते हैं, अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास तीन हाइड्राइड आयन और हैं। तो इसी तरीके से जैसे एक हाइड्राइड आयन ने एक ईएलडिहाइड की रिडक्शन की है, इसी तरीके से जो तीन हाइड्राइड आयन हैं ये तीन और एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा सकते हैं। और जब ये तीनों हाइड्राइड आयन यूज हो जाएंगे, तीन एल्डिहाइड के ऊपर जब ये अटैक कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप की एक स्पीसीज, इस टाइप का हमारा ये कंपाउंड या फिर ये इस टाइप का एक सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हाइड्राइड आयन जो एल्यूमिनियम के इनिशियली यहाँ पे ये जो चार हाइड्राइड आयन थे, इन्होंने अटैक कर दिया है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, और इन चारों हाइड्राइड आयन की जगह अब ये वाले जो स्पीसीज जो बनी थी जब कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक हुआ था, तो ये नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे आया था तो इस टाइप के ये जो आयन बने थे, अब ये हाइड्राइड आयन की जगह एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आयन की, ये जो हमारे पास जो सोल्ट है, इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके साथ OH आ जाएगा, और ये हमारे ये एल्डिहाइड से फाइनली एल्कोहल बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिडक्शन करता है किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की, उसको बताने के लिए। जिस तरीके से ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है, सेम उसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिडक्शन करता है। सेम यही स्टेप होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, बस लिथियम की जगह यहाँ सोडियम आ जाता है, एल्यूमिनियम की जगह यहाँ बोरोन आ जाता है, बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है हाइड्राइड ट्रांसफर होने का। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये जो भी हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये जो हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की ही रिडक्शन करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा अगर कोई डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसकी रिडक्शन नहीं करेंगे। जैसे ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये जो कंपाउंड है इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होगी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो। तो ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को ही रिड्यूस करते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मियरविन पोंडोर्फ वर्ले रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में इसको एमपीवी रिएक्शन भी बोलते हैं, या एमपीवी रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपेनोल। इस रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे फिर वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड के साथ, और सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, आइसो प्रोपेनोल। अब एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास होता है आइसो प्रोपेनोल, ये हमारे पास क्या है, आइसो प्रोपेनोल है। अगर हम एल्कोहल का जब ये हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एल्कोहल से क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड। तो इसी तरीके से आइसोप्रोपेनोल था, आइसोप्रोपेनोल में से हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये है आइसोप्रोपोक्साइड। अब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम के में पता है कितनी वैलेंसी होती है, थ्री वैलेंसी होती है। अब एल्यूमिनियम के थ्री वैलेंसी मतलब थ्री पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब ये एल्यूमिनियम तीन आइसोप्रोपोक्साइड आयन के साथ जुड़ जाएगा, ये एल्यूमिनियम थ्री आइसोप्रोपोक्साइड आयन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 2 CHO, ये थ्री और ये एल्यूमिनियम, सो दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाते हैं आइसोप्रोपेनोल में, तो
एल्डिहाइड और कीटोन हमारे एल्कोहल में बदल जाते हैं, एल्कोहल में उनका रिडक्शन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। आइसोप्रोपेनॉल की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये एल्डिहाइड से ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया है यहाँ पे। इसी तरीके से ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन सेम इन्हीं रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो ये कीटोन में ये कार्बोनाइल जो कंपाउंड है यहाँ पे, इसके रिडक्शन से ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म कैसे काम, मतलब ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है, तो उसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन है ये भी हाइड्राइड ट्रांसफ़र से होती है। ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ये कैसे हो रही है, बाई हाइड्राइड ट्रांसफ़र। अब हाइड्राइड कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में से। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है, ये हाइड्राइड का सोर्स है। तो अब क्या होगा, इसको ध्यान से देखना है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड है, या फिर यहाँ पे हम कीटोन भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ये एल्डिहाइड लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराई है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बताया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या है, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है कि दो आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एक को समझाने के लिए मैंने ये बाहर दिखाया हुआ है। एक्चुअल में इस तरह से तीन, ये दो भी, ये जो दो आइसोप्रोपोक्साइड है वो भी इस तरीके से जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम से, इस ऑक्सीजन के थ्रू। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है ये, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके आ रहा है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एच नेगेटिव की तरह होगा, हाइड्राइड की तरह होगा, और ये इधर अटैक कर रहा है इस कार्बन पे। अब इस कार्बन के चार बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए अब ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है। तो अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा, ये इधर एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा। मैंने बताया एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। लेकिन अगर एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से हाइड्राइड ने इस कार्बन पे अटैक किया है, और ये जो इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया है, एल्यूमिनियम पे। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है इस रिएक्शन के लिए, ट्रांजिशन स्टेट ये बनती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तो ये हमारे जो हैं आइसोप्रोपोक्साइड वाले जो आयन हैं जो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए, वो दिखाए हुए हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम के साथ ये जो दो आइसोप्रोपोक्साइड आयन है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब क्या दिखाया हुआ है, ये जो तीसरा आइसोप्रोपोक्साइड आयन है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये। और हमारा जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड यहाँ पे है। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखना है इसको, कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड था, कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये टूट रहा है धीरे 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 धीरे। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, डॉटेड में दिखाया, मतलब ये टूट रहा है। और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एल्डिहाइड के इस कार्बन के साथ, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है। अब ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड था ये भी धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, इसीलिए पूरा डबल बॉन्ड ना दिखा के ये डॉटेड दिखाया है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, इसीलिए डॉटेड के साथ ये इसको ऐसे दिखाया है, ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। तो अब क्या होगा, अभी ये बॉन्ड हमारे अंडर ब्रेकिंग और अंडर फॉर्मेशन स्टेज में है, कि कुछ बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं और कुछ बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं।
ये अभी बीच का हमने दिखाया है, ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है। जब ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो, जिन बॉन्ड को ब्रेक होना है वो ब्रेक हो जाएंगे, और जिन बॉन्ड को बनना है जब वो बॉन्ड बन जाएंगे तो क्या बनेगा, तो वो ये बनेगा कि इस तरह से ये देखिए यहाँ पे, ये जब पूरा मतलब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों तो हमारे जो आइसोप्रोपोक्साइड के थे एल्यूमिनियम के साथ वो ऐसे दिखाए हुए हैं हमने, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये पूरा ब्रेक हो गया है एल्यूमिनियम के साथ, ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से ये पूरा ब्रेक हो गया है। अब ये बॉन्ड पूरा यहाँ से ब्रेक हो गया इस तरीके से, हाइड्रोजन यहाँ से पूरा ब्रेक हो गया इस तरीके से, तो ये क्या बन गया यहाँ पे। अब ये दोनों इधर से ब्रेक हो गया इधर से, तो ये वाला बॉन्ड पूरा हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे एसीटोन, ये क्या बन गया हमारा एसीटोन। अब क्या हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बन रहा था उस टाइम पे, अब ये कंप्लीट बन चुका है इधर ऐसे, और ये जो बॉन्ड थोड़ा थोड़ा जो ब्रेक हो रहा था ये पूरा ब्रेक हो चुका है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा था अब वो कंप्लीट बन चुका है यहाँ पे। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक तो यहाँ पे ये एसीटोन बन गया है, दूसरा ये इस तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम से ये जो एल्डिहाइड वाला मोलिक्यूल था वो इस तरह से जुड़ गया है, ठीक है। तो ये दो आइसोप्रोपोक्साइड तो स्टार्टिंग से यहाँ तक अभी तक ऐसे ही है। अब क्या होगा जब ये यहाँ पे इस तरह बन गया है, अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, आइसोप्रोपेनोल, क्योंकि रिएक्शन में हमने क्या यूज किया है आइसोप्रोपेनोल। अब आइसोप्रोपेनोल में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड की रिडक्शन से। और अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आया था। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया था तो ये पूरा अब इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, ये आइसोप्रोपोक्साइड आयन ही तो है ये CH3CHO, ये CH3CHO ये आइसोप्रोपोक्साइड आयन है, ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। तो दो आइसोप्रोपोक्साइड आयन पहले जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लास्ट में बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है MPV रिडक्शन का। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रिडक्शन रिएक्शन है उसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके रिडक्शन से एल्केन बन जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन की जब रिडक्शन होगी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन होगी, तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में। अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्राजीन हो सकता है इन एल्कलाइन मीडियम, और सोलवेंट क्या हो गए यहाँ पे, ग्लाइकोल। हाइड्राजीन की जगह यहाँ पे हम हाइड्रोक्साइल अमीन ले सकते हैं ग्लाइकोल और एल्कलाइन मीडियम। फिर यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन की जगह यहाँ फिनाइल हाइड्राजीन हो सकता है ग्लाइकोल प्लस ये एल्कलाइन मीडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज कर सकते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर। अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन के लिए एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, जो कार्बोनाइल बॉन्ड ग्रुप होता है, सिर्फ उसकी रिडक्शन होती है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है सिर्फ इसकी रिडक्शन से क्या बनता है, ये CH2 ग्रुप में बदल जाता है। लेकिन कोई डबल बॉन्ड हुआ या कोई ट्रिपल बॉन्ड हुआ या कोई और दूसरा ग्रुप हुआ उसकी रिडक्शन यहाँ पे नहीं होती है। और दूसरा क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस रिडक्शन में एल्कलाइन मीडियम यूज हो रहा है। अब अगर किसी हम कंपाउंड की रिडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इस बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इस तरह के कंपाउंड की रिडक्शन के लिए हम
इस वुल्फ किसनर रिडक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में जिसकी हमें रिडक्शन करनी है, तो उस कंपाउंड की रिडक्शन इस रिएक्शन का यूज करके हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस यूज हो रहा है, और अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा बेस के साथ। तो इसीलिए हम इस रिडक्शन रिएक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो। अब बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या हो सकते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है, HX रिमूव हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं अब हम, कि जैसे ये एल्डिहाइड है हमारा, ये हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है एल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में, इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एल्केन। ये CO की जगह ये क्या आ गया, CH2, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहले ही था तो ये एल्केन बन गया CH3। अब यहाँ पे कीटोन है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, फिर से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें हमने सेम यही रिएजेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है सिर्फ इसकी रिडक्शन होगी यहाँ पे CH2 ग्रुप में, ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो ये इंटैक्ट रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला कंपाउंड देखिए आप, ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ एल्कलाइन मीडियम में, तो हमें पता है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसकी रिडक्शन से ये क्या बन जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, और हमने बताया था कि अगर कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे कंपाउंड में जिसके हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो वो बेस सेंसिटिव ग्रुप बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो होना तो क्या चाहिए था, यहाँ पे इस तरह से ये रिडक्शन हो जानी चाहिए थी, ये सी एल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ये बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है KOH की प्रेजेंस में। तो हमें पता है कि जब भी कहीं पे भी अगर हैलाइड होता है, कोई भी हैलाइड प्रेजेंट होता है और बेस के साथ उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो -HX रिमूव हो जाता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ से ये हाइड्रोजन एक निकल जाएगा इस तरफ से, तो एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके रिडक्शन के लिए हम वुल्फ किसनर रिडक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा वो भी रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसमें हमें पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्साइलमीन या फिनाइल हाइड्रोजीन, इन सब अमोनिया डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन, सबसे पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा, कि जो भी हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, हमने यहाँ पे ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, इसके रिएक्शन जब ये हाइड्रोजीन के साथ करेगा तो हमें पता है अमोनिया डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजोन, ये H2 और ये O, ये यहाँ से निकल जाएगा -H2O और ये हाइड्रोजोन यहाँ पे बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। अगर आपने ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी हुई है तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजोन विद बेस। अब ये जो हाइड्रोजोन बन चुका है इसकी रिएक्शन अब बेस के साथ होगी। अब बेस के साथ क्या होगी, ये जो हमारा बेस है KOH जो है, वहाँ से ये हाइड्रोक्साइड आयन आया है, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेगा, ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ से एक प्रोटॉन को ये OH रिमूव करेगा। अब ये रिमूव करेगा तो ये -H2O यहाँ पे होगा, तो NH के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रेजोनेंस पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज अब डिलोकलाइज हो सकता है, ये इधर आ सकता है, जब ये इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा,
ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर का एक प्रोटॉन, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये वाटर में से एक प्रोटॉन को ले लेगा और ये सी एच बन जाएगा। ये आर सी नेगेटिव जो था, ये सी नेगेटिव ये स्ट्रोंग बेस की तरह काम करेगा और वाटर में से एक प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये बन गया हमारा, अब यहाँ पे क्या होगा कि बेस हमारा फिर से ये जो ओ एच नेगेटिव है ये फिर से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ माइनस एच टू ओ होगा। अब जब ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों बॉन्ड के बीच में इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से आएगा। अब नाइट्रोजन चार बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, जब ये डबल ये बॉन्ड इधर से, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बाहर, नाइट्रोजन गैस N2। ये जो N2 है ये बाहर निकल जाएगी यहाँ से नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या बच गया, CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये प्रोटोन, ये मतलब वाटर से ये प्रोटोन मिलेगा H2O, ये H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वाटर से एक प्रोटोन यहाँ पे, ये जो CH नेगेटिव है ये बेस की तरह काम करेगा और वाटर में से एक प्रोटोन को ले लेगा और ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये रिडक्शन हो गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो RCOR, इसकी रिडक्शन होके क्या बन गया है, RCH2R। तो ये यहाँ पे वुल्फ किशनर रिडक्शन के बारे में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन भी वुल्फ किशनर रिडक्शन की तरह ही है, इसमें भी जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में। लेकिन यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है, जिंक अमलगम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। जिंक अमलगम होता है और साथ में क्या होता है, एसिडिक मीडियम। तो जिंक अमलगम और HCl इस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन की भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसकी ही रिडक्शन होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस में अब क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एसिड का यूज हो रहा है। हमने यहाँ पे जैसे देखा था इस रिएक्शन के अंदर कौन सा मीडियम था, बेसिक मीडियम, इस रिएक्शन के अंदर कौन सा मीडियम है हमारा, एसिडिक मीडियम। तो जैसा कि इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो यहाँ पे कौन सा मीडियम प्रेजेंट होता है, एसिडिक मीडियम। तो इस रिएक्शन का यूज हम ऐसे कंपाउंड की रिडक्शन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो। एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर अगर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर एसीटल प्रेजेंट रहा तो एसीटल की डीप्रोटेक्शन हो जाती है, एसीटल ब्रेक हो जाते हैं और वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। तो कहने का मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इस रिएक्शन का हम यूज ऐसे कंपाउंड की रिडक्शन करने के लिए नहीं कर सकते हैं जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये CH3CHO है, एल्डिहाइड है, ये जिंक अमलगम HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड से क्या बन गया, ये एल्केन। इसी तरीके से ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक अमलगम HCl के साथ तो ये भी यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा CHO की जगह। ये कीटोन है तो ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, ही फिर से एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये एल्डिहाइड है तो इस रिएक्शन में हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड एजिटीज रहेगा और ये जो एल्डिहाइड है ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक अमलगम HCl के साथ,
यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी रिडक्शन होके यहाँ पे CH2 ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कौन सा मीडियम यूज किया है, HCl एसिडिक मीडियम। तो जब ये एल्कोहल है ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कौन सी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, OH यहाँ से निकल जाएगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर जिसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और साइड में ये रिएक्शन भी हो जाएगी एसिड सेंसिटिव वाले ग्रुप की। तो ये ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन का। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी ईजी है। इसमें क्या होगा कि एसिडिक मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है। तो जब भी कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा तो हमें पता है कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा जो कि एसिड से आया हुआ है, तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन की। साथ में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जिंक मेटल। अब जिंक के पास टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों जिंक के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उन इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए ये जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, कार्बन को। अब क्या होगा, एसिड से ये दो प्रोटॉन यहाँ पे, एसिड से ये दो प्रोटॉन हमें मिलेंगे। एक प्रोटॉन तो इस CH, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, इसको प्रोटोनेट कर देगा इस सी नेगेटिव को, तो CH बन जाएगा। एक प्रोटॉन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर है, एक इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन यूज हुए हैं, एक ने इस कार्बन की प्रोटोनेशन करवाई है, एक ने इस ऑक्सीजन की। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रोटोनेशन हुई है, तो अब ये हमें पता है कि जो भी OH2 पॉजिटिव हो गया, NH3 पॉजिटिव हो गए, ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी तो ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये वाटर जब यहाँ से रिमूव होगा तो इस कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ये वाटर। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए फिर से जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। जिंक से किस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, कार्बन पे, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज को प्रोटोनेट कर देगा फिर से प्रोटॉन, ये CH नेगेटिव पे फिर प्रोटॉन अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये मैकेनिज्म है क्लीमेंसन रिडक्शन का।